दोस्तों, अगर आपके मुंह से बदबू आती है या आपके किसी जानने वाले के मुंह से बदबू आती है तो हो सकता है ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बीमारी या किसी आने वाली बीमारी का संकेत हो। आपने अक्सर देखा है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे मुंह को खुलवा के जीभ को बाहर निकालने के लिए कहते हैं और उसके बाद फिर निरीक्षण करते हैं, चेक करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद फिर अकॉर्डिंगली हमें दवाई देते हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारे शरीर में हर वक्त कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स डेड होके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए तो हम हर रोज साफ सफाई करते हैं, नहाते हैं अच्छी तरीके से, रगड़ रगड़ के, ताकि स्किन जो है अच्छी तरीके से साफ हो जाए। दांत साफ करते वक्त वैसे हम टंग क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील की होती है, प्लास्टिक की होती है या तांबे की होती है, या आज भी गाँव में दातून का इस्तेमाल करके जबान को साफ किया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो जबान पर चढ़ी हुई ये सफेद परत है वो अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाती। टंग क्लीनर या तो हाफ जीभ को साफ करते हैं और जबान के पीछे यानी गर्दन के आसपास ये गंदगी इकट्ठा होती रहती है, फिर वो खाने के साथ हमारे पेट में चली जाती है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अगर जबान में ये वाइट कलर की कोटिंग है तो ये नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत कोटिंग इज ओके, लेकिन ये कोटिंग की अगर मोटी परत है तब आपको ज़रूर इस बात का ये संकेत दे रही है कि आपका या तो पेट का हेल्थ सही नहीं, यानी गट का हेल्थ सही नहीं है, डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, या तो और भी बहुत से गंभीर रोग होंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, किसी भी जानकारी को आप मिस ना कर पाएं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल में नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो में जीभ को पूरी अच्छी तरीके से साफ करने के लिए घेरण संहिता में बताई गई जीवा मूल शोधन का अभ्यास किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस किताब को परचेज करना चाहते हैं ना, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके आसानी से परचेज कर सकते हैं और इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। तो जीवा मूल शोधन क्या करता है? आपकी जबान को अच्छी तरीके से खोल कर और अंदर तक साफ सफाई करता है। इससे क्या होगा कि आपको स्वास्थ्य लाभ बहुत से मिलने वाले हैं। अब समझ लेते हैं इस अभ्यास को जब हम निरंतर करते रहते हैं तो इससे हमें क्या स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। सबसे पहला तो अच्छी ओरल हाइजीन की मदद से आपके मुंह से बदबू नहीं आती, आप बोलने बात करने में बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं और लोग आपसे दूर नहीं भागते हैं, तो इससे आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे मेंटेन होते हैं। दूसरा, अगर आपकी जबान साफ रहेगी, हेल्थी रहेगी, तो ये आपके डाइजेशन को भी बेहतर करने में बहुत मदद करेगी। कैसे? कि जब आप जीभ को साफ करते हैं ना, तो इससे बहुत से सलाइवा के जो ग्लैंड है, ये मुंह से निकलने वाले जो एंजाइम है लार की मदद से आपके खाने में मिलकर इसको बहुत अच्छी तरीके से हाफ डाइजेस्टेड तो ऑलरेडी बनाते हैं, वो जब आपके पेट में जाता है तो ऑलरेडी आपके दांतों ने आपकी आंत का काम कर दिया है और डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हमारी जबान से बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचती है नर्व्स की मदद से, तो इससे आपके सेंस ऑर्गन बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और इससे माइंड भी अलर्ट होता है। अगर जबान गंदी रहेगी, आपकी जीभ पर ये वाइट कोटिंग परत बहुत मोटी होगी, तो आपके सोचने समझने की जो क्षमता है इस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप बोलते वक्त तुतलाते हैं, हकलाते हैं, झिझक महसूस करते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्पीच थेरेपी का भी काम करता है, जिससे आप बोलने बात करने में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। और अगर योगियों के अनुसार लाभ बताऊं तो ये आपकी जबान को बहुत लचीला बनाता है, जबान को लंबा बनाता है, जिससे कि आप जब अपने टंग को टर्न करें तो अपर पैलेट के ऊपर जो जगह है जहाँ से सांस लेते हैं वहाँ तक आपकी जबान अगर पहुँचने लगे कुछ अभ्यास के बाद, तो बिंदु से स्रावित होने वाला जो नेक्टर है, जो अमृत है, इसका पान किया जा सकता है, जो कि मदद करता है दीर्घ आयु बनाने में। साथ ही आजीवन आप स्वस्थ रहेंगे और बुढ़ापा भी आपके करीब नहीं आएगा। तो इतने सारे स्वास्थ्य लाभ हैं, कैन यू इमेजिन, सिर्फ जीभ को अच्छी तरीके से साफ करने में। तो जनरली जब हम जबान को साफ करते हैं तो एक टंग क्लीनर की मदद से सिर्फ आधा टंग ही जो है तो साफ हो पाता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया,
की जबान का जो पिछला हिस्सा है इसको हम करेंगे सबसे पहले अपने हाथ की तीन उंगलियां इस तरीके से, तीन उंगलियों को लेंगे और फिर उसके बाद अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे कैसे, और फिर उसके बाद इन तीन उंगलियों को मुंह में डालेंगे। हाँ, इस चीज का अभ्यास करने से पहले आपको एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपकी आपके नाखून जो है वो बड़े ना हो, और जब आप उंगलियों को मुंह के अंदर डालें ना तो बहुत फोर्स के साथ ना डालें, बी वेरी जेंटल टू योरसेल्फ। तो आप फिर अपने हाथ की तीन उंगलियां, और कोशिश करें सीधा हाथ ही इस्तेमाल करें, उल्टा हाथ से तो हम शौच वगैरह करते हैं तो उल्टे हाथ को अवॉइड करके सीधे हाथ को ले, और इस तरीके से हाथ की तीन उंगलियां, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को लिया और फिर उसके बाद जीभ को बाहर की तरफ निकाल लिया। इस तरीके से फिर उसके बाद साफ कर लिया। तो सबसे पहले टंग क्लीनर से साफ किया, फिर हाथ की तीन उंगलियों की मदद से अपनी जबान को साफ किया। अब अगले स्टेप में हम घी का इस्तेमाल करके अपनी जबान को थोड़ा ल्यूब्रिकेट करेंगे। तो अब मेरे पास है ये घी जो कि घर की बनी हुई है, मेरी माँ ने बना के दिया है तो मैं इसका इस्तेमाल जरूर करती हूँ। तो अब इसको क्या करूँगी, मैं इस तरीके से थोड़ी सी क्वांटिटी ले ली इस तरीके से, और फिर उसके बाद जीभ में इसको रब करना है, ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी। इससे क्या होगा कि जो आपके टेस्ट बर्ड है ना, टेस्ट बर्ड्स हैं उनका फंक्शन इम्प्रूव होगा और सलाइवा बहुत अच्छी तरीके से सिक्रीट होने की वजह से डाइजेशन इम्प्रूव होगा। तो जीभ बाहर निकाला, इस तरीके से। फिर ये अभ्यास करने के बाद आप ना बहुत अच्छा फील करेंगे, अपने मुंह में ना एक तरोताजगी महसूस करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने दोनों हाथों की मदद से, जैसे आपने ग्वालों को दूध दूहते देखा होगा ना किस तरीके से वो मिल्किंग करते हैं, तो उस तरीके से आप दोहन की प्रक्रिया करेंगे। तो जीभ को बाहर की तरफ निकालेंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से दोहन करना है, है ना, बाहर की तरफ टंग को खींचना है। बस आपका हो गया काम, और फिर उसके बाद अपने हाथ को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लें। तो ये अभ्यास आप 7 से 8 बार कर लें और बस यू आर डन। हर दिन अभ्यास करने तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात बताऊँ, इतना करने मात्र से मुझे मुंह में बहुत ताजगी और हल्कापन महसूस हो रहा है। आशा करती हूँ जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको भी ऐसा फील हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रहकर इसी तरीके से बहुत अमेजिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं, हर रोज़ योग का अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है, जिससे आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, मात्र 1 घंटे का वक्त आपके ही घर के कंफर्ट जोन में निकालना है, और हम करेंगे हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, किस तरीके से रिलैक्सेशन करते हैं, इस तरीके की बहुत सी क्लेंजिंग टेक्निक जो आपको अंदर से साफ सफाई करेंगी, डिटॉक्स करेंगी बॉडी को। मेरी इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करके मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को बहुत से स्वास्थ्य लाभ मिले हैं, जैसे कि अगर उनको डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपरटेंशन की समस्या, हार्ट की कंडीशन, बैक पेन, नी पेन, ज्वाइंट पेन किसी भी तरीके का, अत्यधिक स्ट्रेस रहता है, एंग्शियस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो ये क्लासेस हाईली बेनिफिशियल हैं और मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिले हैं। इसीलिए मैं भी आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इन क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास करते हैं, या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, बेझिझक इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं आप।
अगर किसी कारण से आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से स्पेसिफिक टाइम पर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो मैंने कुछ बिगनर फ्रेंडली कोर्सेस डेवलप किए हैं जिनमें 1 घंटे की वीडियोस होती हैं। आप इन वीडियोस को प्ले करके अपने योग का अभ्यास अपने घर के ही कम्फर्ट जोन में कितनी भी बार अभ्यास कर सकते हैं। इन क्लासेस में भी आपको 1 घंटे की ड्यूरेशन में अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं ये अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इन क्लासेस के बारे में और जानकारी किस तरीके से मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट शेयर की है, इस वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको क्लास के बारे में सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। जाइए मेरी वेबसाइट चेक कीजिए या कि फिर मुझे एक व्हाट्सएप कीजिए। देखा आपने कितनी आसानी से हमने सीखा किस तरीके से करते हैं जीवा मूल शोधन, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आशा करती हूँ इस अभ्यास से आपको अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करने में मदद मिलेगी, मुंह से आने वाली बदबू जो है उससे छुटकारा मिलेगा, साथ ही बेहतर डाइजेशन की मदद से आप अपने शरीर को स्वस्थ भी रख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि आगे आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, कौन सी टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। मुझे बेहद खुशी होगी आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर वीडियोस बना के। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया है लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या करना भूल गए हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी खूब साझा कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। स्वास्थ्य लाभ जिससे आपको भरपूर मिल सके, निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।